प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। मौनी अमावस्या पर स्नान का, ध्यान का और दान का विशेष महत्व है। तो कैसे उपासना करेंगे मौनी अमावस्या पर और कैसे स्नान करेंगे? सुबह के समय या शाम के समय स्नान करने के पहले संकल्प लीजिए, या तो सुबह 10 बजे के पहले नहा लीजिएगा या तो संध्या में लगभग 5 बजे के आसपास आप नहा सकते हैं। पहले जल को सर पर लगा करके प्रणाम करें और उसके बाद स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को काले तिल मिला करके अर्घ दीजिए, जल दीजिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करिए और फिर मंत्र का जप करिए। बहुत सारे मंत्र हैं जिनका आप जप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के मंत्र हैं, भगवान शिव का मंत्र है, पितरों का मंत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता का पाठ है, कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद वस्तुओं का दान करिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। अगर आपको जरूरी लगता है तो आप अमावस्या पर जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। यानी अगर आप अमावस्या पर जल ग्रहण करके उपवास रखें या जल फल ग्रहण करके उपवास रखें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको शुरुआत में ही बताया कि अमावस्या की तिथि पर, खासतौर से मौनी अमावस्या पर, आप ग्रहों की शांति कर सकते हैं और विशेष रूप से राहु और केतु की शांति कर सकते हैं। क्या करेंगे? भगवान शिव के मंदिर जाइएगा, शिव जी को एक रुद्राक्ष की माला, चाहे वो कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, एक रुद्राक्ष की माला अर्पित करिएगा। इसके बाद धूप जला करके भगवान शिव के मंत्र से, उसी माला से 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र को आप 108 बार पढ़िएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा और इसके बाद इस माला को अपने गले में पहन लेंगे या अपने पास हमेशा रखे रखेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, जो ग्रहों का पाप प्रभाव है, जो निगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। मौनी अमावस्या का पूजा विधान क्या है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मौनी अमावस्या पर दान भी किया जाता है। कौन सा दान किया जाएगा? अगर आप मुक्ति मोक्ष चाहते हैं तो आपको गौ दान करना चाहिए। गौ दान करना अच्छा होगा, संकल्प लेकर भी कर सकते हैं। आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो संकल्प लेके भूमि का दान कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र की बाधा से मुक्ति चाहते हैं तो काले तिल का या काले तिल के लड्डुओं का दान भी आप कर सकते हैं। अगर आप रोग से परेशान हैं, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं तो सोने का दान करें या पीतल, पीली धातु का दान करना अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन की खुशहाली चाहते हैं तो एक बर्तन जिसमें घी भरा हुआ हो, घी भरा हुआ बर्तन या घी भरा हुआ डब्बा, देसी घी, ये आप दान कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति चाहते हैं तो नमक का दान करना अच्छा होगा। वंश वृद्धि चाहते हैं, संतान की उन्नति चाहते हैं तो चांदी का दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।